Hey guys, this video is brought to you by the brilliant One Football app. There is so much football action all around the world happening simultaneously and it is difficult to keep a track of everything. One Football app makes that really easy for you. The newest feature of the One Football app is global users apart from Indian subcontinent can stream the Indian Super League ISL for absolutely free on the One Football app. The World Cup season is also upon us, so any information related to your favorite team, anything that you need to know about your favorite players, One Football app has you covered. So please go ahead and download the One Football app for absolutely free, either from the link given in the description below or from the QR code being flashed on the screen right now. So FIFA World Cup Qatar 2022 ka pehla padav pura ho chuka hai. Group stages jo hain wo complete ho chuke hain aur 1994 World Cup ke baad पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने अपने तीनों मैचेस नहीं जीते हैं, मतलब 9 पॉइंट किसी भी टीम के नहीं है, जितनी भी टीम्स क्वालिफाई हुई हैं 9 पॉइंट किसी के भी नहीं, और 94 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा पहली बार हुआ है ग्रुप स्टेज में। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये दर्शाता है, ये फैक्ट, ये चीज़ दर्शाता है कि कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है, हर टीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, टीम्स बहुत अच्छी हैं, टीम्स में बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कमियां हर टीम में कहीं ना कहीं हैं। और दो टीमें जिनका कल से पहले एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड था, पोर्चुगल और ब्राज़ील, जिनके दो मैचेस में दो विक्ट्रीज थे, दोनों ही अपने मैचेस हार गए। पोर्चुगल हार गई साउथ कोरिया से और ब्राज़ील हार गई कैमरून से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अब इतनी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमने देखी हैं इस वर्ल्ड कप में, जैसे हमने जापान की क्वालिफिकेशन देखी, हमने मोरक्को की क्वालिफिकेशन देखी, साउथ कोरिया आ गई है, बहुत लोगों को लगा था घाना या उरुग्वे में से कोई आएगा, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स साउथ कोरिया ने क्वालिफाई कर लिया है। फिर उसके बाद हम बात करें तो फ्रांस बहुत अच्छी टीम लगी है। अगेन एक ये आप कह सकते हैं चीज़ कि फ्रांस पे सबको ये डाउट था कि क्या वर्ल्ड कप कर्ज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जर्मनी बाहर हो चुकी है, बहुत उलटफेर हुए। सऊदी अरेबिया, वो एक बहुत ही बेहतरीन विन के बाद अर्जेंटीना के अगेंस्ट एकदम शांत पड़ गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन अब जो है हमको हमारा पूरा लाइनअप मिल चुका है 16 टीमों का कि क्या होगा। तो एक सवाल अब मन में ये आता है कि क्या जो अपसेट्स का सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है या हम सिर्फ अभी शुरू हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैचेस सेटअप हो गए राउंड ऑफ 16 में। हम जब आगे जाएंगे इस वीडियो में तो बात करेंगे कि क्या क्या हमको मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक जो चीज़ है जो शुरू में लग रही थी कि वर्ल्ड कप में फील नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही, मेरे हिसाब से तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वर्ल्ड कप्स दैट आई हैव एवर सीन, कोई डाउट नहीं है। उसमें बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, अपसेट्स हुए हैं। AFC से तीन टीमें आ चुकी हैं राउंड ऑफ 16 में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान, और अफ्रीका से भी दो टीमें हैं, सेनेगल और मोरक्को। तो एक अच्छा मतलब लाइनअप रेडी हो गया है। अब बात करते हैं पोर्चुगल वर्सेस साउथ कोरिया की। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही टीम्स ने, चाहे हम ब्राज़ील की बात करें चाहे हम पोर्चुगल की बात करें, सेम चीज़ आप फ्रांस के लिए कह सकते हैं जो उन्होंने टूनिसिया के अगेंस्ट किया था, कि जब टीमें अपने मैचेस जीत गई हैं दोनों और उनको पता है कि यहाँ पर वो बाहर नहीं हो सकते, तो इससे बढ़िया आपको चांस नहीं मिलता है ट्राई करने का नई नई चीज़ें और प्लान बी। क्योंकि अगर आप आगे जो बहुत ही ज़्यादा अब क्रूशल मैचेस हैं, नॉकआउट्स हैं, अब यहाँ से चार फाइनल्स हैं एक तरीके से, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो उनमें अगर आप कहीं फंस जाएं या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या आपके पास प्लान बी है, और प्लान बी कितना कारगर है, कितना सक्षम है, वो तभी पता चल सकता है जब आप उसको ट्राई करेंगे। तो ये जो मैचेस थे एक अच्छी कोशिश थी इन टीम्स के द्वारा कि किस तरीके से हम जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं, और वही करने की कोशिश करी। और थोड़ा सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर नाखुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से, आई थिंक उन्होंने कई सारे चांसेस जो हैं मिस किए और उसकी वजह से साउथ कोरिया को एक मौका भी मिल गया मैच में वापस आने का। इवेंचुअली उन्होंने वो मैच जीत लिया 2-1। तो एक इस लिहाज से ये चीज़ अच्छी है कि या एक आपका जो ख़राब मैच होना था टूर्नामेंट में वो आपने दरकिनार कर दिया है, वो ऐसे पड़ाव पे आया है जहाँ पे आपको उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। तो पोर्चुगल ने तब भी इस हार के बावजूद अपना ग्रुप टॉप किया, लेकिन साउथ कोरिया ने क्वालिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि जो दूसरे मैच में हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो अभी भी मैं ये मानता हूँ पोर्चुगल के लिए, क्योंकि अब क्योंकि उन्होंने अपना ग्रुप निकाल लिया है और राउंड ऑफ 16 में काफ़ी कम्फर्टेबली आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है अब ये, और सेमीफाइनल्स तक तो मैं डेफिनेटली देखता हूँ पोर्चुगल को। और फिर सेमीफाइनल के बाद तो आप जानते हैं चार जो टीमें आती हैं सेमीफाइनल्स में, उसके बाद तो इट्स एनीवंस गेम, आप उसमें कह ही नहीं सकते कि कौन फेवरेट्स है कौन अंडरडॉग्स है। जो सेमीफाइनल तक पहुँच जाता है 25% चांस होता है चारों टीमों का जीतने का, ये मेरा मानना है, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो अंडरडॉग होता है, चार टीमें जब सेमीफाइनल्स में आती हैं तो उसमें से जो लीस्ट लाइकली होता है कभी कभी वो जीत जाता है पूरा जो टूर्नामेंट होता है। तो
वहां पर आप नहीं कह सकते कि कौन सी टीम कमजोर है कौन सी टीम स्ट्रांग है। अब यहां पर यही चीज है। अब देखिए आप राउंड ऑफ 16 का जो टाई है पोर्चुगल का अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, तो अच्छा है, डिफिकल्ट है, अच्छी टीम है स्विट्जरलैंड। आज हमने सर्बिया के अगेंस्ट भी देखा, उस मैच की भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पोर्चुगल हैव इनफ इन देम कि वो आराम से हरा सकते हैं स्विट्जरलैंड को, और फिर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जिस तरीके से भी सेटअप होगा उसको हम देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे उस पर। तो पोर्चुगल मेरे हिसाब से इस हार का उनको एक वेकअप कॉल ज़रूर मिला होगा, और उनको ये समझ आया होगा कि कहाँ उन्होंने गलतियाँ करी, उसको वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे। एंड स्पेशली जो रोनाल्डो ने आज चांसेस मिस करे और जो फॉरवर्ड लाइन जिस तरीके से उन्होंने नहीं लिए चांसेस, वो उन पे वो काम करना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे लगा कि इतना ख़राब नहीं खेली पोर्चुगल, और आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस की जो कमी थी फर्स्ट हाफ में खासा दिख रही थी, तो ये समझ आ जाता है कि ब्रूनो फर्नांडिस कितने ज़्यादा क्रूशल हैं इस टीम के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक पता चल गया है पोर्चुगल को कि क्या वो चीज़ें जो उन्होंने आज ख़राब करी और क्या उनको सुधार सकते हैं। साउथ कोरिया ऑन द अदर एंड बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली, उसको उन्होंने ग्रैब किया, मैच जीता, अपनी जगह बना ली है राउंड ऑफ 16 में, और अलॉन्ग साइड जापान और ऑस्ट्रेलिया AFC से तीसरी टीम हो गए हैं जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट, बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट साउथ कोरिया के लिए। उरुग्वे वर्सेस घाना, अब फिर से हिस्ट्री है जो उसने अपने आप को रिपीट कर दिया। घाना को फिर से एक पेनल्टी मिलती है उरुग्वे के अगेंस्ट, मौका मिलता है मैच में आगे जाने का, लेकिन वहाँ पर ले नहीं पाते हैं मौका और फिर से पेनल्टी मिस कर देते हैं। 12 साल पहले जो हुआ था आज फिर से वो हो गया। अब यहाँ पर आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा उरुग्वे से कि जैसी परफॉर्मेंस आज आपकी घाना के अगेंस्ट थी, जो आपकी आज एक ब्रेव अप्रोच थी, आपने एंटरप्राइजिंग और ज़्यादा एडवेंचर, आपने ज़्यादा रिस्क टेकिंग प्लेयर्स आपने स्टार्टिंग 11 में खिलाए हैं, क्यों आपने अरस्कायता को इससे पहले मौका नहीं दिया, क्यों ही आज आपने उनको 90 मिनट खिलाया, क्यों आपने उनको पहले मैचेस स्टार्ट नहीं कराए, तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल पूछी जानी चाहिए, ये अप्रोच पे सवाल उठने चाहिए कि क्यों फेडे वेलवर्डे आज अच्छा खेले, आज उनको फ्रीडम मिल रही थी वो करने की जो आपने उनको दो मैचेस में नहीं दी, क्यों आप इतना डिफेंसिव हो गए, क्यों आप इतना एडवेंचरस नहीं थे, आप घबरा गए और आपकी अप्रोच जो थी वो दिखी कि आप बिल्कुल भी कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं फाइनल थर्ड में। आज देखिए आप, न्यूनेस का गेम वाज ओके, सुआरेस बहुत अच्छा खेल रहे थे, पूरी मतलब आज क्लिक कर रही थी, बहुत फ्री फ्लोइंग तरीके से फुटबॉल खेल रही थी उरुग्वे। लास्ट में मुझे लगा था कि वो पेनल्टी है जो कवानी को गिराया गया एंड में, मुझे लगा था कि शायद वो पेनल्टी हो सकती है, बट वहाँ पे VAR चेक भी नहीं हुआ, तो वो एक मोमेंट ज़रूर था। बट उसके अलावा भी आपको ब्लेम करना पड़ेगा उरुग्वे को। आई थिंक जितनी भी 16 टीमें पहुँची हैं ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजर्विंग थी ये डिजर्विंग नहीं थी, जो 16 टीमें पहुंची है प्रॉपर डिजर्विंग है, और जहां उनको होना चाहिए था, जो एलिमिनेट हुई हैं वो अपनी गलती की वजह से हुई हैं। जैसे हम जर्मनी की बात करें, अच्छा खेल के भी एलिमिनेट हो गए अपने बाकी के दो गेम्स, तो उनकी गलती थी। जापान के अगेंस्ट क्यों आ रहे, मेक्सिको अगेन क्यों आप पोलैंड के अगेंस्ट आपने मौका गवाया वो मैच जीतने का, और पोलैंड ने भी पेनल्टी मिस कर दी थी मेक्सिको के अगेंस्ट, तो पोलैंड बाहर होती तो हम दोनों तरफ जो है ये आर्ग्यूमेंट चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टीम आई तो वो डिज़र्व नहीं करती थी, और जो नहीं आउट हो गई यार ये तो डिज़र्व करते थे, गलती से आउट हो गए। आई थिंक साउथ कोरिया डिज़र्व करती थी इसलिए आई है। उरुग्वे ने अपने आप को लेट डाउन किया, घाना ने भी अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन किया, बहुत अच्छा उनके पास भी मौका था क्वालिफाई करने का और बिल्कुल शोल्डर्स ही ड्रॉप हो गए। मुझे तो लगा घाना ने बिल्कुल गिवअप ही मार दिया जिस तरीके से उनसे पेनल्टी मिस हुई, और उसके बाद क्विक फायर दो गोल्स मार दिए, 6 मिनट में दो गोल मार दिया अरस्कायता ने। तो ये एक चीज़ है जो आप उरुग्वे पे उंगली उठा सकते हैं कि इतनी अच्छी आपके पास टीम थी, आप खेल सकते हैं वो एक पॉजिटिव और एक एंटरप्राइजिंग फुटबॉल, थोड़ा रिस्क लेके आप कर सकते हैं, गोल्स परेशानी पैदा कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए, लेकिन नहीं किया आपने। तो बिल्कुल उरुग्वे ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, मेरे हिसाब से तो उनके पास मौका था क्वालिफाई करने का बट वो नहीं कर पाए, और यहाँ से पुर्तगाल और साउथ कोरिया क्वालिफाई कर जाते हैं इस ग्रुप से। स्विट्जरलैंड और सर्बिया का बहुत ही शानदार मैच हुआ, 3-2 से जो है स्विट्जरलैंड ने जीत के अपनी जगह बना ली राउंड ऑफ 16 में, और अगेन सर्बिया अच्छा खेली तीनों मैच में, देवर गुड, देवर डिसेंट अगेंस्ट ब्राज़ील, देवर वेरी गुड अगेंस्ट कैमरून, और आज भी वो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अगेन 3-1 से आप लीड कर रहे थे कैमरून के अगेंस्ट, वहां आपने लीड गंवा दी, आज आप 2-1 से लीड कर रहे थे फिर आपने जो है लीड गंवा दी स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, इवेंचुअली आप मैच हार गए डिफेंसिव प्रॉब्लम्स। तो अगेन मैचेस आपके हाथ में थे, आप जा सकते थे, कंफर्टेबल पोजीशंस में थे आप, लेकिन अगेन आपने गलती करी वहां पे जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और शकीरी अगेन ब्रिलियंट फॉर स्विट्जरलैंड, पिछले जो 24 गोल हुए हैं स्विट्जरलैंड के उसमें 12 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है शकीरी का, तो 50% ऑफ जो गोल्स हैं स्विट्जरलैंड के पिछले 24 में से उसमें शकीरी का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत ही मतलब बेहतरीन है ये स्टैट अगर हम बात करें, बहुत ही गर्मा गर्मी से भरपूर मैच क्योंकि वो पॉलिटिकल टेंशन भी है। सही मुझे लगा परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड का, जैसा मैंने कहा आसान नहीं होगा पोर्चुगल के लिए
फेस करना स्विट्जरलैंड को, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और यहीं हम बात करें ब्राज़ील की, तो उन्होंने अपनी बी टीम खिलाई, जैसा मैंने कहा बेंच स्ट्रेंथ प्लान बी टेस्ट करना है। अच्छा खेली ब्राज़ील, लेकिन अगेन वेस्टफुल, जैसा हम पोर्चुगल के लिए कह सकते हैं, चांसेस बहुत सारे मिस करे। और अबू बकर ने स्कोर करके कैमरून के लिए एक बहुत ही फेमस विन हासिल करी, और ये मेक श्योर कर दिया कि कैमरून खाली हाथ नहीं जाएगी इस वर्ल्ड कप से। और मेरे हिसाब से अगेन अ वेकअप कॉल, जैसा मैंने कहा पोर्चुगल के लिए। तो ब्राज़ील भी थोड़ा, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हवा में उड़ रही थी, जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने डांसेस प्रिपेयर कर लिए हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है स्पिरिट अच्छी है कैंप में, वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन एक वेकअप कॉल और एक थोड़ा सा मुझे लगता है पैर ज़मीन पर रखना भी ज़रूरी है, जो कि ब्राज़ील के लिए बहुत सही टाइम पर है। अब जो हैं चीज़ें, जो उन्होंने देखा कि आज भी वो उन्होंने जो चीज़ें ख़राब करी हैं वो कैसे वो ठीक कर सकते हैं, आगे जाके इस तरीके की गलती ना करें, चांसेस जो मिले उनको कन्वर्ट करें, और गेम में जो अपने लिए तकलीफें आप बढ़ा लेते हैं उनको ना बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से सारी टीम्स जो स्ट्रगल करी हैं कहीं ना कहीं वो ध्यान में रखेंगी। तो अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कि राउंड ऑफ 16 में किस तरीके का एक ब्रैकेट है जो हमारे लिए तैयार हो गया इस वर्ल्ड कप में। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में है नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्रोएशिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं इंग्लैंड, सेनेगल, फ्रांस, पोलैंड, मोरक्को, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल, ये चार टीम है जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक आपको एक्शन पैक्ड फुटबॉल देंगी यहाँ पर। और ऊपर वाले ब्रैकेट की हम बात करें तो नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, क्रोएशिया भी अच्छा मैच होगा। तो बहुत ही अच्छी एक लाइनअप यहाँ पर जो है सेट हो गई है। और जैसा हम सबने प्रिडिक्ट किया था कि अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल अपने ग्रुप्स जो हैं वो टॉप करेंगी, तो फाइनल में यहाँ पर मिल सकती है। मेरे हिसाब से अर्जेंटीना का रास्ता काफ़ी आसान है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के फिर नेदरलैंड्स या यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी विनर होगा उनके अगेंस्ट भी वो अपने चांसेस फैंसी करके सेमीफाइनल तक पहुँच सकते हैं। और मुझे लगता है दूसरी टीम जो पहले वाले ब्रैकेट से होगी वो होगी ब्राज़ील। यहीं हम नीचे वाले ब्रैकेट की बात करें तो मुझे लगता है फ्रांस और पोर्चुगल जो हैं वो हो सकती हैं बाकी की दो टीमें जो सेमीफाइनल में पहुँचेंगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बाकी ये तो वक्त ही बताएगा, या हो सकता है कोई टीम हमको सरप्राइज़ कर दे, जैसे जापान है, मोरक्को है, स्विट्ज़रलैंड एक बहुत अच्छी टीम है, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स में से कोई एक टीम हो सकती है, क्रोएशिया लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं, साउथ कोरिया अगेन अगेंस्ट द ऑड्स दे क्वालिफाइड। तो अगेन आप इसमें कोई जो चीज़ है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। सेनेगल अगेन बहुत एक अच्छी टीम है। तो यहाँ पर अगर मैं पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हरा दूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी मैच इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है प्रेडिक्ट करना। आई थिंक बाकी सारे मैचेस जो हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आप मुझे थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है एंड व्हाट आर योर पोटेंशियल फॉर सेमीफाइनलिस्ट ये ब्रैकेट देख। तो फिर आज से नॉकआउट्स का सिलसिला चालू हो जाएगा, मिलते हैं शाम को फिर डिस्कशन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।